जय माँ भगवती। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल सपना एस श्री में, जहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चमत्कारी होम रेमेडीज़ देती हूँ जिसको आप अपने हाथों से कर सकेंगे। कहीं आपको बाहर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तांत्रिक पंडित पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको परेशानी है उसके हल मैं आपको घरेलू चीज़ों से ही बता दूंगी, शायद वो आपकी किचन में उपस्थित हो इस समय। ऐसे चमत्कारी टोटके मैं आपको देती हूँ और बहुत ही सरल और बहुत ही मामूली छोटे, लेकिन वो काम बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं। इसमें आपकी संकल्प शक्ति और आपका विश्वास होता है। पर ये वीडियो आज बनाने का मेरा मेन मकसद है कि जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि इन नवरात्रों में हम कौन से मंत्र का जाप करें, क्योंकि हमें कोई गुरु से मंत्र मिला नहीं, गुरु से दीक्षित नहीं है, तो कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए या घर की सुख शांति के लिए। तो आइए आपको सुनिए, ध्यान से इस मंत्र को सुनिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डालूंगी इस मंत्र को, और कोई गिनती नहीं है कि आपको कितनी बार करना है, बस आप सच्चे मन से करते जाइए। अगर एक बार भी सच्चे मन से आपके मन से वो जाप निकल जाता है, वो मंत्र निकल जाता है, क्योंकि मंत्र का मतलब यही है कि मन में वो मंत्र को जापना, मन के मंत्र होते हैं ये, तो सुनिएगा ध्यान से। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ये वैष्णो माता का मंत्र है। इस मंत्र में माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी का वास है। साक्षात ये तीनों देवियों का एक ऐसा प्रभावशाली मंत्र है जिसके परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी इस मंत्र को सिद्ध भी कर देती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने लाख आप उसको जापिए। भगवान या शक्तियाँ आपके भाव देख रही होती है। अपने सच्चे मन से संकल्प लेके आप इसको जापना शुरू करिए और आप देखेंगे किस तरीके से आपका मन शक्तिशाली हो जाता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपके संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है और आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल इतना फर्क आ जाएगा। जो साधक होते हैं उनकी पर्सनैलिटी से, उनके आने से, उनकी शक्ल से ही, उनके हाव भाव से ही पता चल जाता है कि किसी देवी कृपा के साधक हैं या किसी हनुमान जी के या भैरव के या किसी के भी जो साधक होते हैं, उनकी तो पर्सनैलिटी में ही पता चल जाता है, उनकी शक्ल पे ही वो नूर आ जाता है। तो इस मंत्र को ज़रूर जापिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। जय माँ पीताम्बरा।